देखो ये हमारा टेंट है। अपन से यहाँ पे बारिश शुरू हो रखी है भाई, पहाड़ है तो फिर देखो क्या ही व्यू आएगा। अभी हम संगज वाटरफॉल जा रहे हैं। हल्की सी धूप भी हो रखी है, देखो भैया कितना सुंदर सा व्यू। देखो बकरी के बच्चे। और यहाँ पर पहुँचने के बाद पता चला कि अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पर जाना है। इतना कड़क धूप लग रहा है ना, सीधा वाटरफॉल जा रहे हैं। संघर्ष करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं संघर्ष वाटरफॉल पर। अभी भी इतना सारा चढ़ाई है, पकड़ा लगता है किसी और बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे। नहीं मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। डे टू शुरू हो चुका है यहाँ पर। सुबह के बज रहे हैं 6:30। सब लोग उठ चुके हैं, टेंट में से किसी को निकलने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत जोरदार वाली ठंडी लग रही है। ओढ़ आड़ के सब अपने अपने टेंट में पड़े हैं। देखो ये हमारा टेंट है, ये बाहर का व्यू है। बता पोत पोता टेंट में घोटाला है, कोई बाहर ना था तू। यहाँ पर सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम लोग हो चुके हैं फ्रेश एंड नहा, मतलब नहाया तो नहीं है, ब्रश वगैरह कर लिया, फेस वॉश कर लिया, एकदम मतलब फ्रेश हो चुके हैं। और वापस से यहाँ पे बारिश शुरू हो रखी है और मैं वापस अपने टेंट में आके ही वीडियो बना रहा हूँ। और इधर व्यू इतना बढ़िया आ रखा है ना, इधर पूरा पहाड़ ही पहाड़ है यहाँ पर सब कुछ। और मैं यहाँ पे अंदर बैठ के जस्ट वाइब ले रहा हूँ। वाइब शू चाले छे, केवू फील थाय छे, वाइब आवे छे कि ना थावती? वाइब आवे छे कि ना थावतू? हाँ मने एवं ज थतो तो। काल थी परी थी पेलू सरू। हाय गाइस, हाय गाइस, हेलो, खाना खाके जाना। हाँ निकल चुके टेंट के बाहर और यहाँ पे माहौल हो रखा है बहुत ही ठंडा सा एकदम, और बारिश भी हल्की हल्की सी एकदम बूंदा बांदी वाली चालू है। और भाई पहाड़ हैं तो फिर देखो क्या ही व्यू आएगा, क्या ही सुबह सुबह में, मतलब एकदम आनंद है आनंद। हमारा कैंपिंग जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर कैंपिंग हमारा यहाँ पर है। और खाने के लिए हमको थोड़ा दूर आगे जाना पड़ता है, मतलब वहाँ पर किचन वगैरह एरिया है इन लोगों का, कैंपिंग वालों का। वहाँ पे हमारा नाश्ता, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ होता है। कल डिनर में बहुत ही बढ़िया खाना था जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था, ठीक है? तो अभी तो चल रहे हैं, देखते हैं सुबह सुबह के नाश्ते में क्या है। भाई व्यू तो देखो क्या ही आ रहा है। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय श्री राम। कॉफी बाद में लूँ। अभी हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है, पोहा वगैरह खा लिया है, कॉफ़ी वगैरह पी लिया है और अब हम जाएंगे अपने साइट सीन के लिए अलग अलग जगहों पर। तो मैथमेटिक्स कुछ ऐसा बैठा है कि कल ही 3 जगहों पर गए थे, तीनों जगह पे अलग अलग कपड़े हमारे भीग चुके हैं, मतलब बचा कुल मिला के 2 या 1-2 कपड़े ही बचे हुए हैं। तो उन्हीं में हमको आज का पूरा दिन गुजारना है। तो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी जा रहे हैं चेंज वेंज करने के लिए। नंबर 1 दूसरे का है, नंबर 2 दूसरे का है, इनका तो पता नहीं नंबर कौन सा है। नंबर 3 ये वाला हमारा है, इसको ओपन करेंगे और चेंज करेंगे। 12 seconds later। क्या बोलता हूँ दोस्तों, जीवन में इतना संघर्ष है ना, इतना संघर्ष है। सुबह सुबह हम लोग उठे और नहाने के लिए हमको करीब 2-3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। सोने के लिए तो मिल जाता है पर नहाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष के लिए भी कहाँ पे जा रहे हैं नहाने के लिए? संघर्ष वाटरफॉल के लिए। हम संघर्ष वाटरफॉल जा रहे हैं। भाई बोल रहे हैं नहाने के लिए वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन मैंने देखो जो अभी तिलक करके आया हूँ तो मैंने नहा लिया है, लेकिन ये भाई थोड़ा सा लेट उठे हो गए इसलिए नहाया नहीं है। लेकिन अभी हम संघर्ष करके संघर्ष वाटरफॉल जाने वाले हैं। माय नेम इज अजय कटी से आपके साथ जुड़ा हुआ है। और ये सब यहाँ से आ रहे हैं और ये इधर का पूरा व्यू है, जोरदार सा व्यू है, बढ़िया सा, हल्की सी धूप हो रखी है।
हल्की सी धूप भी हो रखी है और सुहावना सा मौसम है। देखो भैया कितना सुंदर सा व्यू है। मौसम है देखो बकरी के बच्चे पर मिट्टी बहुत धस धसने वाली है। फाइनली ये रोड को पार करके अब इस रोड पर आ गए हम। हेलो गाइस हाउ आर। तो ये देखो यहाँ का व्यू कितना मस्त है यार। देखो पहाड़ों के बीच में मैं चल रहा हूँ एकदम मतलब जैसा मेरे को चाहिए, जैसा मुझे दिख रहा है ना आंखों से वैसा कैमरे से नहीं दिख रहा है। तो कैमरे से जितना सुंदर दिख रहा है उससे उससे मतलब हजार गुना ज़्यादा सुंदर यहाँ पे ये मेरी आंखों से दिख रहा है और उसको मैं फील कर रहा हूँ। बहुत ही मस्त है। देखो दिखाता हूँ मैं आपको खूब। इधर से ऐसा पथरीला रास्ता है, इधर से जाना है और ये पूरा पहाड़ी व्यू है यहाँ का। पहले चढ़ते हैं फिर उतरते हैं फिर चढ़ते हैं फिर उतरते हैं। बस ये लोग हमको नॉर्मल जिंदगी से लोकेट करा रहे हैं। इतना ट्रैक करके हम लोग यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर पहुँचने के बाद पता चला कि अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ है। जाना है यहाँ पर, चलो चलो यहाँ पर जाना है और हम हैं यहाँ 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 ઝાડને સાચવવા માટે કપડા બાંધેલા છે ને કૂતરા જનાવર છે ને ઝાડ ઉગ્યું હોય ને ખાઈ ના દે બગાડી ના નાખે। કૂતરા બાત ચલી હે પતા ચલા હે ક્યા પતા ચલા ચડ્ડા પહેન કે ફૂલ ખિલે આંબાનો। ચલો આપણે ગાઈસ આજે નીચે ઉતરવાનું છે સામેથી। હા ઓલો પહાડ ચડવાનો છે। હા ખોટા ખોટા હવે ના કેસો और ये हम आ गए हैं और ये हमारा यहाँ पर पार्टी हो रहा है। हाँ, और ये प्रोफेसर है, ये मैडम है, इन्होंने मुझे फार्मास्यूटिक्स पढ़ाया हुआ है। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमारे मित्र तो यहाँ पे पहले से ही आ चुके हैं तो लाओ इनसे पूछते हैं इनका क्यों रहे हो। पहुँची गया बता ट्रैकिंग ओ तरीकी પોર્ટ્રેટ માં રાખી દઉં એટલા માટે। હા હા પડ દો મિનિટ કર કરો આમાં જે એ વિનો કર મિનિટ લેટ કમ ના તેજ ધૂપ હો ચુકા હે ને અભી યહાં પે હમ લોગ કરીબ આધે ઘંટે સે ખડે થે ફોટોઝ વગેરે લે રહે થે ઇતના કડક ધૂપ લગ રહા હે ને અબ સીધા વોટરફોલ જા રહે હે સ્નાનમ કરને કે લિયે અભિષેકમ કરને કે લિયે ઠીક હે તો ચલો ચલતે હે ગરમી ઇતના હો રખા હે ફાઇનલી વોટરફોલ કે પાસ તો હમ લોગ પહોંચ ચુકે હે બટ અબ નહાના હે યાર બહોત ગરમી લગ રહા હે। ये आ गए ये रहा वाटरफॉल अभी दिखाता हूँ मैं बे दिवस थे इतना वाटरफॉल फरी रीजन काले आज कई एक्साइटमेंट नहीं थी वाटरफॉल जो इन्हें ये रहा वाटरफॉल। एक तो ये रहा ना चलो तो नहीं ले નીચે આલો નીચે બેઠાઈ છોડો તો અહીં ક્યાં થઈ જાય સો કરીબ દો દો ઘંટે સે હમ લોગ યહાં પર બેઠે હુએ હૈ વ્યૂ કા વાઇબ લે રહે હૈ મજા લે રહે હૈ યહાં કા વ્યૂ બહોત હી ખૂબસૂરત હૈ મતલબ યહાં સે પૂરા વો નીચે પહાડ દિખ રહા હૈ દિખાતા હું મેં તો વહાં પે મતલબ ફોટોઝ વિડિયોઝ ઓર એક છોટા સા ગેમ ભી ખેલા અભી तो बहुत कुछ हमने अभी यहाँ पे किया है और अभी यहाँ से नहाने के लिए जाना है मतलब वो वाटरफॉल जो रास्ते में दिखा था ना उसी में नहाना है। तो चलो देखते हैं कब जाते हैं वहाँ पे नहाते भी हैं कि नहीं नहाते हैं क्योंकि बहुत ढीले ढपाचे काम कर रहे हैं लोग सब यहाँ पे। सो फाइनली अभी नहाने के लिए जा रहे हैं वाटरफॉल में जिसके लिए मैं कब से वेट कर रहा था। एक्चुअली मैं अकेले भी आ सकता था पर मेरे को तैरना नहीं आता। जाता ना किस काम का અહીંયા પાણી આવે છે પીવાવાળું છે
जो पीवा, ये देखो पानी पीने का। इधर से देखो कैसे पानी आ रहे हैं। ए हे जो पानी पीवा वालों आनंद गंगा जल तो मस्त पानी है। मारे पीवे हो पीने का बिस्लेरी फिसलेरी। इधर आओ मस्त आपको पिलाएंगे सीधा शुद्ध प्राकृतिक जल। मैं भी पीने जा रहा हूँ। ओहो फाइनली आ गया हमें। ओहो फाइनली पहुंच गए धोध के पास। संघर्ष करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं संघर्ष वाटरफॉल पर। अब यहां पर हम इतना संघर्ष करने के बाद नहाएंगे स्नान करेंगे और वीडियो को देंगे फोर्ट। मिलते हैं नहाने धोने के बाद एंजॉयमेंट करने के बाद। तब तक के लिए जय श्री राम। सो वहां पर नहाने के बाद मैं हो गया था भीगा इसीलिए मैंने व्लॉगिंग नहीं किया और वापस सेम रूट से वही ट्रैकिंग वाला करके वापस ऊपर आ गए हम लोग। मैं सूख भी चुका हूँ और वापस भीग रहा हूँ पसीने से। तो अभी हम जा रहे हैं वापस अपने बेस कैंप पे जो कि अभी भी इतना सारा चढ़ाई है और इतना सारा हम चढ़ कर आए हैं। हेलो 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 वादड़े सरस है प्लस पहाड़ भी है एकदम जोरदार। खेतर जो है खेतर में लीला लीला पाक से एकदम जोरदार व्यू है। चल हर्ष भाई जोरदार व्यू एक नंबर एकदम और तो बात है तो है ये नंबर ना धंधा आपने करता नहीं ये करो एक नंबर એટલે व्यू पर एक नंबर व्यू है एक नंबर जोरदार मतलब जोरदार व्यू है। कहां में गुजरात में नहीं है समझ में तो आ जाएगा ना समझ में है तो कमेंट कीजिएगा। नीचे भी पग है ना पकड़ा नीचे भी पग बस है ना नीचे भी पग पकड़ा है। सो कोसो दीदी की होड़ा फूकती है क्या गर्लफ्रेंड दुनिया के किस कोने में होंगे ये लोग मेरा फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। फाइनल ट्रैकिंग करने के बाद हम अपने बेस कैंप पे आ गए हैं और अब हम हो जाएंगे तैयार और अब हमारी विदाई की तैयारी होगी यहाँ पर। सब देखो ये भैया अभी तैयार हो गया कैंप में से निकल के। क्या हुआ क्या मछली लंबी सांस ले फाइनली हम लोग यहाँ पर अब तैयार होने जा रहे हैं। ठीक है हमारी लास्ट आपको तैयार होने के बाद और अभी हमारा लंच भी यहाँ पे रेडी है तो खाना वाना खा के फिर निकलेंगे हम बारूमल टेम्पल के लिए।